शिवराज सिंह चौहान को खुला चैलेंज है ओबीसी महासभा का कि आपकी सरकार ज़्यादा दिन तक मध्य प्रदेश में नहीं चलने वाली, क्योंकि आपकी सरकार गिरने वाली है, उपचुनाव में आप बड़े रूप में हारने वाले हैं। क्योंकि आप ये बताइए, जब मंत्रिमंडल का आज विस्तार चल रहा था, कैबिनेट बिठा रहा, कैबिनेट की मीटिंग हुई, तो अगर कमलनाथ सरकार ने कैबिनेट में ओबीसी समाज के लिए 27% आरक्षण पास किया था, तो आज मुझे ये बताइए कि आप शिवराज सिंह के जो मंडल बैठा, जो मंत्रिमंडल बैठा, उसमें ओबीसी समाज की जो 27% जो कोर्ट में सवर्णों ने जो रोक के रखा है, उसके लिए बात क्यों नहीं हुई? साथियों, समझने की कोशिश कीजिए आप, मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट इस मध्य प्रदेश में जिस समाज की 58% संख्या है, उसके बारे में एक भी बात नहीं की गई। मैं ये आप इसलिए शेयर करो मेरे भाइयों कि उन अंधभक्तों अंधभक्तों को बताओ जो बीजेपी कांग्रेस में लगातार गुलामी करते हैं, दरी चटाई बिठाने का काम करते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी नेता में दम है जो कैबिनेट में लिए गए हैं ओबीसी समाज के? एक भी ओबीसी समाज का जो मंत्री बनाया गया है उसके पिछवाड़े में इतनी दम नहीं है कि वो ओबीसी समाज के हक अधिकारों की बात आज कैबिनेट में बात कर पाता। साथियों, शेयर करें, कैबिनेट में बात कर पाता, नहीं कर पाया। और दूसरा मुद्दा बता रहा हूं मैं, आज नहीं कल मेरे ऊपर एफआईआर करने के लिए कुछ मनुवादी संगठन के लोग गए थे थाने, और थाने में जाके वो जो वहाँ के जो थानेदार थे, उन्होंने बोला कि भाई ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी जी पे अगर आप रिपोर्ट करने चाहते हो तो आप क्यों करना चाहते हो, कुछ सबूत तो आपके साथ पास होना चाहिए। तो पता है, ये बोले कि ये हमारी समाज के ऊपर टिप्पणी करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो रिपोर्ट करवाने वाले थे, ये ओबीसी का काम करते हैं कुछ लोग, वही लोग हैं ये लोग जो मुझे रोकने का काम कर रहे हैं, ओबीसी महासभा की कार्यकर्ताओं को रोकने का काम कर रहे हैं। आप सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैं अभी उस जगह का नाम नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो अगर मैं जगह का नाम बता दूंगा तो उस थानेदार के ऊपर आ जाएगी, इसलिए मैं उस जगह का नाम आपको नहीं बताऊँगा। मेरे ऊपर आज एफआईआर करने के लिए मनुवादी संगठन आरएसएस बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग मीटिंग कर रहे हैं भोपाल में, और मीटिंग करके बोल रहे हैं कि ये महेंद्र सिंह कौन है। आप समझिए, महेंद्र सिंह कौन है, उनको बताओ ये महेंद्र सिंह वो व्यक्ति है जो ओबीसी समाज का काम करता है, ओबीसी समाज को संवैधानिक दायरे में रह के अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। आप नहीं रोक पाओगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, किसी भी कंडीशन में नहीं रोक पाओगे, क्योंकि हमारे पास विचारधारा है, हमारे पास हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, हमारे पास संविधान है, हमारे पास हमारा समाज है, और ये हमारे साथ लड़ेगा, विश्वास के साथ कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम उस कौम के लिए लड़ रहे हैं जो 4000 साल से लगातार मनुवाद के गुलाम है, और मनुवाद का गुलाम बना है, आज भी है, सिर्फ परिस्थितियाँ बदली हैं लेकिन गुलाम वही हैं। आप सोचिए, बीजेपी कांग्रेस में ओबीसी समाज एसटी समाज के लोगों को मूवमेंट चलाना पड़ता है, इसके बाद वहाँ पे मंत्री बनाए जाते हैं, विधायक बनाए जाते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि सवर्ण लोग किसी व्यक्ति को मूवमेंट चला रहे हो। क्यों? क्योंकि उनकी ये पार्टियाँ हैं, अनदेखी की हुई है समाज की, अरे पूरे पिछड़ा वर्ग समाज की अनदेखी हुई है। 92% ओबीसी समाज मध्य प्रदेश में रहता है, आप सिर्फ लोधी समाज के चक्कर में क्यों बोल रही हो? आप पूरे ओबीसी समाज के लिए बोलिए ना, आप हिंदुत्व की बात करती हैं ना, अरे आप अगर हिंदू समझती हैं पूरी 92 समाज को, ओबीसी समाज के लोगों को, तो आप पूरे नाई समाज की बात करिए, आप बाथम समाज की बात करिए, आप कहार समाज की बात करिए, आप प्रजापति समाज की बात करिए, आप लोधी कुर्मी काछी पटेल कुशवाहा तेली तमोली जितनी समाज हैं सबकी बात करके दिखाइए ना। मैं 6 साल से छोटे से काम कर रही हूँ, आज मैं 65 साल की हो गई हूँ, ये हो गया वो हो गया, अरे मैं आपको कह रहा हूँ सबसे बड़ी दोषी आप हैं जो इस समाज को दबाने का काम किया है। जब आपसे 27% आरक्षण पे आपकी कुर्सी सीनी गई थी और आपने पार्टी बनाई थी, तो फिर क्यों उसी पार्टी में गई आप? क्यों आपने सौदा किया इस समाज का?
इस लोधी समाज का आपने क्यों सौदा किया बीजेपी से, और दोबारा आप गई जब जनशक्ति पार्टी आपने बनाई मध्य प्रदेश में, तो आपको क्या जरूरत पड़ गई जब आपकी 5 सीटें आ गई थी मध्य प्रदेश में और 30 सीट पे 500 से 1000 के बीच में हार हुई थी, लेकिन आपने फिर वही सौदा क्यों किया? क्योंकि आप किस आपको दलाली करनी थी इसलिए आपने की और समाज को डुबोने का काम किया। मैं प्रहलाद पटेल से, जयराम सिंह से, सब जितने भी धर्मेंद्र लोधी, प्रहलाद लोधी, जितने भी लोधी समाज के बीजेपी में विधायक हैं, आप में औकात है, दम है क्या इस्तीफा देने की? जो कह रहे हो कि मुझे नहीं बनाया, आप गुलाम हो वहाँ पे, आप दरी चटाए झंडा उठाने वाले व्यक्ति हो। अगर औकात है, आप अपने आप को छत्री लिखते हो, कुंवर लिखते हो, तो दम हो तो इस्तीफा दिखा के बताइए बीजेपी से। आप बीजेपी से इस्तीफा देकर बताओ, अगर आप में कुछ भी गट्स हैं, कुछ भी आप में अपने महापुरुषों की आप में विचारधारा है, जैसे हृदय शाह लोधी, गुलाब सिंह लोधी, अवंती बाई, हमारे मूलवासी समाज की जो वीरांगना रही हैं, जो योद्धा रहे हैं, जिन्होंने अपने समाज के हक अधिकारों के लिए, इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपनी लड़ाई लड़ी है, लोधी समाज के उन लोगों से बोलना चाहता हूँ जो विधायक सांसद हैं, है आप में औकात, है दम आप में? आप में दम नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि हमारा बेटा विधायक नहीं बन पाएगा बाद में, है ना? आपको लगता है कि हमारी बहू नहीं बन पाएगी विधायक, है ना? आपको आपको हम जैसों से दिक्कत है, आपको बीजेपी से दिक्कत नहीं है। बीजेपी मनुवाद ब्राह्मणवाद से चलाई जाती है, लेकिन हमसे दिक्कत है, महेंद्र सिंह से दिक्कत है। महेंद्र सिंह के लाखों फॉलोअर क्यों हो रहे हैं, महेंद्र सिंह के लाखों लोग क्यों सुनते हैं, इससे दिक्कत है। लेकिन इससे दिक्कत नहीं है आपको कि आपको दरी चटाई झंडा उठाने का काम दिया जा रहा है, आपके समाज के विधायक दरी चटाई झंडा उठा रहे हैं, एक की भी औकात नहीं हुई, एक की भी दम नहीं है। ये ओबीसी पिछड़ा वर्ग के, पिछड़ा वर्ग की वोट पे जीतने वाले लोग हैं, ये प्रहलाद पटेल, प्रहलाद लोधी और ये धर्मेंद्र, ये जितने भी लोग हैं ओबीसी की वोट से जीतने वाले लोग हैं, लेकिन आज तक इन लोगों ने एक बार अपने मुंह में गोबर भर लिया, एक बार भी ओबीसी की बात नहीं कही, लेकिन बड़ी बड़ी पोस्ट चलवा रहे हैं। अरे उमा भारती, अरे उमा भारती का अस्तित्व नहीं है कोई भी, क्योंकि खत्म कर दिया बीजेपी ने कल्याण सिंह उमा भारती को, खत्म। और अब मैं फिर बता रहा हूं, ओबीसी समाज की ऐसा नहीं है, लोधी बन नहीं, सब समाज में यही रोष है कि मेरी समाज के लोगों को क्यों नहीं बनाया गया। तो मैं ये कहता हूं कि अलग अलग क्यों बात करते हो यार, आप अपने समाज की बात करो ना, ओबीसी समाज। अगर आप ओबीसी समाज की बात करोगे तो आपको अधिकार मिलेंगे, आप कितनी भी कम संख्या में क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप मंत्री नहीं बना जाओगे तो उसके सेक्रेटरी तो बनाओ जाओगे, सेक्रेटरी तो बना दिए जाओगे, अगर आपकी संख्या का नेतृत्व करने को मौका मिलेगा बिल्कुल दिया जाएगा, लेकिन आपको आता ही नहीं है। अपने समाज के लिए लड़ो, ये दलाली गुलामी करना बीजेपी कांग्रेस की बंद कर दो, ये कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे समाज के लिए, सिर्फ और सिर्फ सवर्णों को ठेका देने के लिए मंत्रिमंडल बनाया गया है। अब स्कूल का ठेका दिया जाएगा, चिकित्सा का ठेका दिया जाएगा, कोरोना किट का ठेका दिया जाएगा, जितनी भी जितने जिस प्रकार से भी ये कोरोना के बीच चल रहा है, जितने भी ठेके, सारे ठेके सवर्णों को दिए जाएंगे और तुम्हारे साइन पे वो ठेके लिए जाएंगे, और तुम दरी चटाई झंडा उठाने का काम करोगे उनके बीच में, और उनकी रैलियों में आप हिंदू मुस्लिम करते हुए पाओ जाओगे, हिंदू मुस्लिम करते हुए पाए जाओगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हुए पाए जाओगे, हिंदुस्तान चाइना करते हुए पाए जाओगे। अरे मैं बताना चाहता हूँ, आप सोचो, ये मनुवादी मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि चाइना ने 5-10 किलोमीटर हमारे अंदर आ गया और वो हमारे अंदर रह रहा है और उसने अपनी पोस्टर बना ली, ये दिखाया नहीं गया, ये पूरा भारतवर्ष जानता है, लेकिन मोदी मीडिया ने ये नहीं दिखाया, क्योंकि हमारी सेना को ये इतना कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं इनको। मतलब आप सोचिए, भारत सरकार जो है ये उनको शस्त्र दिए है लेकिन चलाना नहीं है, इसमें भेदभाव हो जाएगा। अरे हमारे समाजों, हमारे जो सैनिक हैं उनको कैसे मारा है, कैसे कैसे किया है, शर्म नहीं आती? मोदी जो वहाँ बैठा हुआ है, जो अपने आप को कहता है, पुराने वीडियो में सुनो, ये मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, अरे शर्म करो थोड़ी सी, ये फेंकू तो लगातार फेंकता है, इतना फेंकता है, इतना फेंकता है, तुम्हारे दिमाग से उठ जाएगा। अभी आया था परसों ही, बारिश का समय आ गया है, सर्दी जुकाम होगा। अरे किसको पता नहीं है भाई, बारिश का समय आ गया, सर्दी जुकाम होगा, तो कोरोना नहीं है ना, ऐसा बोलो ना,
कि कोरोना नहीं है, और कोरोना है तो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी सरकार क्या कर रही है, जो मजदूर मारे गए हैं उसके लिए क्या कर रही है, जो ऑफिसर्स मारे गए हैं, जो उसमें डॉक्टर्स मारे गए उनके लिए क्या किया है आपने, कुछ नहीं। 20 लाख करोड़ का जो दिया पैकेज वो सीधा का सीधा सवर्णों को ठेका दे, सवर्णों को ट्रांसफर कर दिया, उनकी दुकानें शुरू हो गईं, उनकी कंपनियां शुरू हो गईं, और लोधी कुर्मी काची पटेल कुशवाहा प्रजापति रजक साहू तेली तमोलू जितने भी नाई प्रजापति बाथम कलार जितनी भी समाज हैं, 92 समाज हैं मध्य प्रदेश में, और 3743 जातियां ओबीसी समाज की भारत में हैं, ये सिर्फ आरएसएस की दरी चटाई झंडा उठाने और पाए लागू कर सकते हैं। इनकी औकात नहीं है सम्राट अशोक बनने की, इनकी औकात नहीं है अब हृदय शाह लोधी बनने की, इनकी औकात तुम्हारी हिम्मत है कि वो विधायक जिसको मंत्री बनाया गया है वो एक भी पोस्ट कर दे कि जो कोर्ट में ओबीसी समाज का 27% आरक्षण स्टे लगाया गया है हम उसके लिए कल से आवाज़ उठाएंगे। है किसी में औकात तुम्हारे विधायकों में सांसदों में, है किसी की औकात, दम है किसी की, किसी विधायक की, किसी का नाम लिख के बताओ यहाँ पे, किसी मध्य प्रदेश के किसी विधायक का नाम लिख के बताओ जिसकी औकात हो इतनी कि मैं ओबीसी समाज संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करता हूँ, लेकिन चलो ठीक है कोर्ट में लगा संवैधानिक बात करता हूँ मैं, क्या किसी विधायक की मध्य प्रदेश में जो बनाए गए हैं मंत्री उनकी औकात है, उनके पिछवाड़े में दम है कि वो कह सके ये बात कि कोर्ट में जो स्टे लगा है 27% आरक्षण पे उसके लिए मैं कल से लड़ना शुरू करूंगा। अरे वो दलाल गद्दार क्या बोलेंगे, हम जैसे गरीब लोग बोलेंगे, किसान लोग बोलेंगे और छाती सामने करके बोलेंगे, इनके बाप को देना पड़ेगा शिवराज सिंह चौहान के, ये लॉकडाउन तो खोलो और हम तुमको बताते हैं कि हम क्या हैं, हम लोग क्या हैं। कोई डरना नहीं है, मध्य प्रदेश में तहलका होना चाहिए, पूरे देश का मूवमेंट बदलेगा, अब पूरी राजनीति बदलेगी, पूरा सोशल मूवमेंट बदलेगा, ओबीसी समाज पीछे हटने वाला नहीं है। ईवीएम को बैन करो, ईवीएम को हटाना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ईवीएम है जिसके कारण वो जो बीजेपी और कांग्रेस द्वारा सत्ता में आ सकती है, इसके खिलाफ भी हमें लड़ना होगा। आप ऐसा मत समझिए कि हम सोशल मूवमेंट ही चलाते रहेंगे और ये बात नहीं करेंगे। ईवीएम, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ मुझे पता है, इसमें गड़बड़ी की जा सकती है, एक जगह एक कंप्यूटर पर बैठ के 542-543 सीटों का आंकड़े बदले जा सकते हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक का इंजीनियर हूं बीटेक, मैं बोल रहा हूं मुझे विश्वास है, अगर किसी में औकात है अंडभक्त की तो बोल के बता इसमें कि नहीं हो सकता, तो मैं ऐसे मेरे मित्रों को लेके आऊंगा तुम्हारे सामने जो उसमें चेंज कर सकते हैं, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम सारे अंडभक्त, तुम्हें मालूम नहीं है कि कैसे क्या होता है, तुमको इलेक्ट्रॉनिक के पता नहीं है इलेक्ट्रॉनिक चलता क्या है, बिजली कैसे आती है, उसमें कैसे बिजली बहती है, तुमको मालूम नहीं है अंडभक्तो, तुमको पता नहीं है कि बिजली जो होती है उसके तार के अंदर सप्लाई कैसी बहती है, वो मुझे मालूम है, तुमको मालूम नहीं है अंडभक्तो, क्योंकि तुम अंडभक्तो, तुमको मालूम नहीं, तुमको पता भी नहीं चलेगा कभी। जैसे बिजली में ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन होते हैं उसको तुमको मालूम नहीं, तुम कैसे बोल सकते हो सालों की तुम ईवीएम में घोटाला नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ ईवीएम में घोटाला हो सकता है, और जो बीजेपी सरकार चल रही है वो ईवीएम की दम पे चल रही है, लोकतांत्रिक होती तो वो संविधान पर लगातार चोट नहीं करती, वो आरक्षण पर लगातार चोट नहीं करती, वो हमारी जो रोजगार है उस पर चोट नहीं करती, जो हमारे मजदूर मारे गए हैं उस पर चोट नहीं करती, जो लगातार सवर्णों को लगातार बढ़ाया जा रहा है इस प्रकार का नहीं होता। 20 लाख करोड़ का बजट दिया, अरे मुझे बताओ अंडभक्तो कितना तुम्हारे अकाउंट में पहुंचा है, कितना तुमको मिला है ये बताओ तो सही, शेयर करो, मैं बताना चाहता हूँ। ये अभी रामदेव बाबा जी आए थे नए, इनने कोरोना किट बना ली, पूरे भारत वर्ष पूरी दुनिया का इनने कोरोना हटा दिया, और बाद में आके बोलते हैं, अब मैं आपको बताऊं, इनका जब पूरी मीडिया लग गई बाबा रामदेव जी ने बनाया कोरोना किट बनाई और ये और वो दुनिया भर का चला दिया उनने, बाद में खूब अंडभक्तों ने, जो अंडभक्त थे उनने खूब चलाया, आप देखिए बाबा रामदेव जी को रोका जा रहा है आयुष विभाग से, और वो रोक रहे हैं उनकी दवाई से कोरोना भग जाएगा, लेकिन बाबा रामदेव
और बालकृष्ण जी का मैं बड़ा ही अच्छा फैन बन गया हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आके सच्चाई बोल दिए कि भाई हम तो एनर्जी बूस्टर बनाए थे, हमने कोरोना किट नहीं बनाई, ये तो हमारे अंधभक्त हैं जिन्होंने इसका प्रचार कर दिया। अब आप ही बताओ, आप सोच सकते हो कि इन अंधभक्तों ने जबरदस्ती का चला दिया और बाद में बाबा रामदेव आके टीवी में बोलते हैं कि वो कोरोना किट नहीं है, हमने कोरोना भगाने के लिए नहीं बनाया, हम तो ये तो एनर्जी बूस्टर है। अरे तो वो तो कब से एनर्जी बूस्टर दे रहा है भाई, वो तो बहुत पहले से दे रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।